तो फ्रेंड्स, हम लोग लखनऊ से 15-20 किलोमीटर दूर है और रात के 12 बज गए थे। हमें कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, तो हम लोग यहाँ पर कलावती पैलेस, लखनऊ से 10-12 किलोमीटर पहले हैं कलावती पैलेस। यहाँ पे एक भैया मिले थे हमें और उन्होंने हमें फ्री में रूम प्रोवाइड करवाया रहने के लिए और खाने का भी व्यवस्था की, लेकिन हम लोगों ने खाना कर रखा था। तो अभी हमें चाय सर्व की जा रही है और गर्म पानी भी दिया गया है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। मैं आपको रूम का थोड़ा दिखा देता हूँ और बहुत अच्छा होटल है। अगर आप लोग यहाँ पर आए लखनऊ की तरफ तो कलावती होटल में 100% है, 101% सुपर सर्विस। आप माइंड ब्लोइंग और रूम का इंटीरियर मैं आपको ज़्यादा नॉइज़ होता है तो हमारी आवाज़ कम आती है और गाड़ियों की आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि नॉइज़ कम से कम हो। हम आज लखनऊ सिटी में जा रहे हैं तो एक अच्छा सा माइक भी परचेज कर लेंगे जिसमें नॉइज़ कम हो। वेरी वर्ल्ड स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कूल है। और ये वो हाईवे है जहाँ से गोरखपुर जाना है, तो हम आगे से लिफ्ट लेना शुरू करेंगे। रंजन शर्मा, इन्होंने हमें 15-20 किलोमीटर की लिफ्ट दी है और यहाँ से हम जा रहे हैं। तो रंजन शर्मा जी, आप कहना चाहेंगे? हम लोग दरअसल भारत भ्रमण कर रहे हैं जीरो बजट पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपना भारत इतना खूबसूरत है, कम से कम पूरा भारत ही घूम लीजिए तो लगे कि फॉरेन भी फेल है अपने भारत के आगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, लखनऊ में बहुत ज़्यादा है, नवाबी शहर है, तो थैंक्स। तो भाई साहब ये है लखनऊ, नवाबों का शहर, और यहाँ से हम जाएंगे गोरखपुर, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा नाला पानी का। यार लखनऊ बहुत बहुत सुंदर शहर है यार, बहुत सुंदर शहर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी। अब लखनऊ के नवाब आशुतोष जी शर्मा, इन्होंने हमें 4 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, और इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ से नज़दीकी जो गांव है वो हरदोई है। तो जब इन्होंने हमें हरदोई बता ही दिया है, तो हम पक्का हरदोई जाएंगे और वहाँ का कल्चर बताएंगे। हम वहीं के रहने वाले हैं, तो फिर हम पक्का हरदोई जाएंगे और हरदोई का कल्चर है, और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और इंटरेक्ट करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। आप कुछ हरदोई के बारे में बता सकते हैं? बहुत, मेरा बचपन वहाँ गुजरा हुआ है, बहुत प्यारा गांव है, और आपको एक बार जाना चाहिए। मतलब अगर आप पूरे यूपी का, जैसे आपने बताया कि गांव का कल्चर दिखाते हैं, तो अगर आप पूरे यूपी के, समझ लीजिए एक तरह से वो यूपी के गांव का कल्चर दिखाएगा, पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करता है वो गांव हरदोई हमारा, तो उसी वजह से आपको ज़रूर जाना चाहिए हरदोई। वहाँ पर आपको हमारे पुराने ज़माने से जुड़ी जो चीज़ें हैं, अभी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ पालन करते हैं, आपको वो सब वहाँ मिलेगा। तो आप एक बार हरदोई ज़रूर जाना चाहिए। चार बाग तक हमें लिफ्ट मिली है, उसमें रवि कुमार गुप्ता जी ने हमें लिफ्ट दी है। ये कौन सा सर्किल है? इको गार्डन। इको गार्डन। दोस्तों हम बाराबंकी पहुंच चुके हैं, और अब गोरखपुर जाने का प्लान था, लेकिन हमने प्लान चेंज कर दिया है। हम अयोध्या रुकेंगे और अयोध्या में घूमेंगे, और आप लोगों को भी अयोध्या की सैर करवाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग सिर्फ लिफ्ट ले रहे थे, आगे जा रहे थे, लिफ्ट ले रहे थे, आगे जा रहे थे, आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे थे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम सिटीज़ में रुकेंगे, और आपको वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ की कुछ फेमस चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। और एक चैलेंज भी लिया है हम लोगों ने कि सबसे पहले आगे कौन पहुँचता है। तो जसपाल अभी मुझसे लगभग 30 किलोमीटर पीछे है, और उसको अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ है, मुझे हो गया है। तो अयोध्या पहुँच के मिलते हैं। तो
ये है हमारे दोस्त अतुल वर्मा, ये हमें मिले हैं यहाँ पे। ये तो प्रदीप ने हमें लगभग 5 से 7 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, ये यहाँ तक ही जा रहे थे, उन्होंने आगे तक की लिफ्ट नहीं पाई। यहाँ से आगे अयोध्या के लिए जाएंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दोस्तों ये है हमारे ही समाज के अंकित सिंह राजपूत, ये है सिसोदिया, मैं हूँ सोलन की ओर से। इन्होंने मुझे अयोध्या से 27 किलोमीटर पहले छोड़ा है, इनका बहुत बहुत है। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जी? हाँ, और हमारे समाज के लोगों जी बिल्कुल, मैं राजस्थान मुझे बहुत प्यारा है, और जो है मैं इन भाई का लिफ्ट दिया है जो अयोध्या से 27 किलोमीटर पहले, आगे मुझे जाना नहीं है वरना मैं अयोध्या तक इनको छोड़ के आता। धन्यवाद राजस्थान भाई। अनुराग जी ने हमें अयोध्या तक की लिफ्ट दी है, चाय और समोसा भी सर्व किया है। अनुराग जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सब तो इन्होंने सिर्फ हाई कहा है। से अजीर बिहार